नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पर चर्चा खास प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव 2024 में अब तक का सबसे बड़ा अनुमान लगाया है। फलोदी सट्टा बाजार ने राज्यों में भाजपा को मिलने वाली सीटों की भविष्यवाणी कर डाली है। फलोदी के सटोरिये सही साबित होते हैं या गलत, इसका पता तो 4 जून को होने वाली मतगणना से ही पता चलेगा। लेकिन आइए चुनाव पर चर्चा हमारे इस खास प्रोग्राम में चर्चा करते हैं कि फलोदी सट्टा बाजार किन राज्यों में बीजेपी को कितनी सीटें दे रहा है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए सर फलोदी सट्टा बाजार की, जिस फलोदी सट्टा बाजार की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस भी कर रहे थे इस चीज़ का कि इस फलोदी सट्टा बाजार जो राजस्थान का सट्टा बाजार है, इसके आंकड़े कहीं ना कहीं प्रमाणिकता के साथ 80% से 90% जो है वो सटीक साबित होते हैं। तो इस रिपोर्ट्स में जो है आपके सामने जो रिपोर्ट निकल के आई है, इसमें कहाँ किस राज्य के अंदर कितनी सीटें जो है बीजेपी को मिल पा रही हैं, तो दर्शकों के साथ एक बार आप भी जो है रिपोर्ट सामने आई उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। देखिए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि फलोदी सट्टा बाजार 500 साल से अधिक पुराना बाजार है और हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक होता है हर चुनाव में जी, चाहे वो किसी स्टेट का चुनाव हो या फिर अब देश के चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। हर कोई जानने को उत्सुक होता है कि फलोदी सट्टा बाजार ने क्या अनुमान लगाया है जी, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार के पिछले 500 सालों से अनुमान लगभग जैसा आपने बताया 80 से 90% सही होते हैं। तो लोग ये जानने के लिए उत्साहित रहते हैं कि इस बार उनकी पार्टी जीत रही है, उनकी पार्टी हार रही है जी। अब आज ही फलोदी सट्टा बाजार ने नए अनुमान जारी कर दिए हैं। लगभग 15 स्टेट के अनुमान उन्होंने जारी किए हैं और बताया है कि बीजेपी को वहां पर कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और पिछली बार मिली हुई सीटों से कितना नुकसान होने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस स्टेट में फलोदी सट्टा बाजार ने कितनी सीटें दी हैं और पिछली बार से कितना नुकसान होने जा रहा है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपके साथ साझा किया कि इस फलोदी सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं प्रमाणिकता के लिए भी जाने जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से चर्चा करें। सर ने बताया कि 15 जो स्टेट हैं उनके आंकड़े इस फलोदी सट्टा बाजार के द्वारा जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले सर स्टेट की बात कर ली जाए, तो आपने जैसे कि गुजरात की जो सीटें हैं उनके बारे में किस प्रकार का माहौल जो है इस फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर अनुमान क्या है इनका? देखो गुजरात में बीजेपी है ना, जब से चुनाव में जीती है 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी, जब से गुजरात के सीएम से हटकर और देश में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा है, तब से गुजरात उनको पलकों पे रखा है गुजरात ने, और गुजरात हमेशा 26 लोकसभा सीटों में 26 की 26 जिताकर भेज रहा है जी। तो चाहे वो 2014 की बात हो चाहे वो 2019 की बात हो, लेकिन जो आज फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने भाव जारी किया है उसके अनुसार उन्होंने भी इस बार चौंका दिया है। उनके अनुसार इस बार बीजेपी को करीब 23 सीटें ही गुजरात में मिल पाएंगी, यानी कि प्रधानमंत्री के गढ़ में लगभग इस बार 3 सीटों का नुकसान फलोदी का सट्टा बाजार दिखा रहा है, जो कि शुरुआत में ही जो हमारे आंकड़ों की शुरुआत हुई है वहीं पर ही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। जब अगर प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में ही अगर 3 सीटों का नुकसान हो रहा है तो आगे के स्टेट में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। ठीक, तो जैसे सर आपने गुजरात का हाल बताया, इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट अपने सामने आई थी वो मध्य प्रदेश स्टेट से लेकर थी, तो उसके बारे में जो है कितनी सीटें का नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, या फिर यूँ कहें कि कांग्रेस की तरफ जो है कितनी सीटें अपना रुख कर सकती हैं? देखो मध्य प्रदेश में पिछली बार बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ था जी, यानी कि 1 सीट कम आई थी बीजेपी को। ऐसे ही लगभग 2014 के भी रिजल्ट रहे थे जी, लेकिन इस बार के रिजल्ट भी कोई बदलाव ना करते हुए फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि इस बार भी 1 सीट या फिर 2 सीटों का नुकसान हो सकता है जी, यानी कि बीजेपी को मध्य प्रदेश से कोई चिंता की लकीरें नहीं दिखाई दे रही हैं। अब सर इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेट की बात कर ले, जिसमें जो है चुनाव भी कंप्लीट हो चुका है और लगातार हम दर्शकों के साथ अपडेट भी रहते हैं इन चीज़ों के लेकर, तो हम राजस्थान के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि इसकी जो है कितनी सीटें फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जो है कन्फर्म हो चुकी हैं। देखो फलोदी का सट्टा बाजार राजस्थान में बीजेपी को 18 से 20 सीटें दिखा रहा है जी, लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार ये भी कह रहा है कि बीजेपी 15 तक भी सिमट सकती है राजस्थान में जी, और जैसा हम भी वीडियोज में चर्चा कर रहे हैं कि 15 तक सीटें बीजेपी की आ सकती हैं जी, अभी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला फंसा हुआ है जी। तो अगर इससे विपरीत अगर 2014 के परिणाम देखें या फिर 2019 के, राजस्थान भी एक ऐसा स्टेट है जिसकी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को पलकों पर बिठा के रखा है जी,
2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, हर बार राजस्थान ने 25 की 25 सीटें प्रधानमंत्री के मोदी के खाते में डाल दी थी। लेकिन इस बार के फलौदी सट्टा बाजार के अनुमानों को भी देखें तो बिल्कुल चौंका रहे हैं। अगर बीजेपी 15 सीटों पर आती है तो इससे साफ है कि बीजेपी को सीधा सीधा 10 सीटों का नुकसान हो रहा है, जो कि बीजेपी के लिए राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। देखो, पहले चरण का जब चुनाव हुआ था राजस्थान में, तब वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। उसके बाद आपने देखा कि राजनीति में एक अग्रेशन भी दिखाई दिया, कहीं ना कहीं कम मतदान की संख्याएं दोनों पार्टियों के चेहरे पर भी दिखाई दी जी। वो उनके बयानों में भी बाद में दिखा और चुनाव वापस से गर्म होता हुआ दिखाई दिया जी। और मैं किन बयानों की बात कर रहा हूँ वो तो आप जान ही गए होंगे, दर्शक भी जान गए होंगे। मैं उनकी चर्चा तो नहीं करना चाहता हूँ कि किसने क्या कहा, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में वो अग्रेसर नहीं आ पाया। कुछ परसेंट मतदान बढ़ा, लेकिन राजस्थान में जब 26 को मतदान हुआ तभी भी यही हाल था। तो उसका नुकसान तो अब किस पार्टी को होगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार साफ साफ बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखा रहा है जी। पर जैसे आपने सर अभी कहा कि कम मतदान प्रतिशत से नुकसान तो किसका होगा, तो नुकसान तो सर हमें अगर देखा जाए एक तरीके से तो नुकसान तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार की तुलना की जाए 2019 की, जैसे आपने बताया कि राजस्थान की जनता जो है लगातार बीजेपी के प्रति अपना प्यार जो है वो जाहिर करती है, लेकिन इस बार फलौदी सट्टा बाजार ने भी जो है अपने हाथ ऊपर कर लिए इस मामले को लेकर, तो यहाँ पे तो जो है एक प्रकार से कह सकते हैं। तो सर ठीक है, जैसे राजस्थान के हमने दर्शकों के साथ चर्चा की, इसके बाद नेक्स्ट स्टेट अगर छत्तीसगढ़ के बारे में अगर चर्चा करना चाहें तो उसमें किस प्रकार का माहौल देखा जा सकता है, या बीजेपी को यूं कहे कि कितनी सीटों का नुकसान इस स्टेट से उठाना पड़ सकता है। देखो, जो फलौदी सट्टा बाजार ने छत्तीसगढ़ के अनुमान जारी करे हैं उनके अनुसार भाजपा को यहाँ पर 10 से 11 सीटें मिलेंगी जी, और भाजपा यहाँ पर 9 सीटों तक भी सिमट सकती है। लेकिन मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूं कि इस बार बीजेपी के लिए दो नए गढ़ बनने वाले हैं, वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां से बीजेपी को नुकसान नहीं होता हुआ दिख रहा है जी। यहां पर बीजेपी के मार्क 100/100 भी रह सकते हैं जी। ये दो स्टेट हैं जो बिल्कुल इस बार बीजेपी को निराश नहीं कर रहे हैं, और लगभग हर स्टेट है जो निराश करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब फलौदी सट्टा बाजार को भी देखो, उसके अनुमान भी देखो, और हमने भी इस पर पहले चर्चा करी थी काफी अपने प्रोग्राम में कि ये दो स्टेट में नुकसान नहीं हो रहा है, और ऐसा ही आज जो परिणाम आए हैं फलौदी सट्टा बाजार के वो भी बता रहे हैं कि 10 से 11 सीटें छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिल सकती है और ये 9 तक सिमट सकती है, इससे नीचे बीजेपी नहीं जाएगी जी। तो जैसा सर आपने अभी बात की छत्तीसगढ़ की, इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेट अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी हो सकता है कि इस बार बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़े। देखो, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी नवाजा जाता है जी। देवभूमि में हिंदू धर्म से रिलेटेड काफी जनसंख्या रहती है, लोग रहते हैं जी। तो मतलब वहां का जो कोर वोटर है वो हिंदू है जी। जो कोर हिंदू है वो बीजेपी का वोटर माना जाता है जी। और वैसा ही कुछ आधार उत्तराखंड की सीटों में फलौदी सट्टा बाजार के आधार में भी दिख रहा है जी। यहाँ पर 5 सीटें हैं लोकसभा की, और 5 की 5 भाजपा के खाते में फलौदी सट्टा बाजार डालते हुए दिखाई दे रहा है। इसका साफ मतलब है जैसा पिछली बार परफॉर्मेंस रही थी वैसे इस बार भी रहती हुई दिखाई दे रही है। अब सर सबसे जरूरी चर्चा यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश की कर ली जाए, जैसे हमने लगातार आपने भी हमसे बातें की और हमने दर्शकों के साथ भी ये चीज़ साझा की कि दिल्ली की जो गद्दी है उसके ऊपर कौन जो है वो नहीं बैठना चाहता। तो सर मैं यहाँ पे बात करूँगा दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं उनमें जो है किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं लगातार जो है 2019 और 2014 में देखा गया कि दिल्ली से जो है 7 की 7 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हैं, लेकिन इस बार क्या हो सकता है कि फलौदी सट्टा बाजार के जो आंकड़े आए हैं उनके आधार पर जो है कि ये सीटें जो है कम देखने को मिल सकती हैं। देखो, जैसा आपने दिल्ली के बारे में पूछा, आज एक खबर चर्चा में है जी कि केजरीवाल जी को जमानत मिल सकती है जी, और वो जमानत इसी आधार पर दी जा रही है कि उनको चुनाव प्रचार कर पाएंगे जी। अब ये चुनाव प्रचार के लिए जब केजरीवाल जैसा एक बड़ा चेहरा वापस से चुनाव में आएगा तो समीकरण तो वापस से फिर बदलेंगे जी, और ये समीकरण कुछ बदलते हुए भी आपको आगे दिखाई देंगे। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार फलौदी सट्टा बाजार 6 से 7 सीटें यानी कि बीजेपी खाते में डालता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार ये भी कह रहा है कि ये सीटें 3 तक भी सिमट सकती हैं, यानी कि अगर केजरीवाल जी बाहर आते हैं और जैसा माना जा रहा है कि वो बाहर आने जा रहे हैं और
चुनाव का समीकरण बदलते हैं तो ये सीटें 3 तक भी सिमट सकती है भाजपा, तो सीधा सीधा भाजपा को यहाँ पर भी 4 सीटों का नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन करीब करीब 4 सीटों पर काबिज होता दिख रहा है, जो 2 बार से खाता भी नहीं खोल पा रहा है, चाहे वो 2014 की बात हो या फिर 2019 की बात हो, बीजेपी यहाँ पर 7 की 7 सीटें जीतती आई है। तो जैसे सर आपने दर्शकों के साथ अभी जो है साझा किया कि केजरीवाल जी को जमानत की जो है मामला आप बता रहे हो, तो ऐसे बड़े नेता को अगर सामने रखने से जो है आपको लगता है कि इन सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है प्रभाव पड़ सकता है या सीटें जो है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जो है अपना रुख कर सकती है? देखो अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में केजरीवाल जी का एक तरफा राज है जी, ये साफ वो वोट जब विधानसभा का होता है तो ये दिखता भी है क्योंकि वहाँ की जनता एक तरफा वोट बीजेपी को करती है, ना कांग्रेस को करती है ना बीजेपी को करती है जी। तो अगर वो जनता, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो अगर वो जनता अगर मान लो कि बेटा मानती है उनको और अगर उनका बेटा जेल से बाहर आता है और उनके बीच जाकर कुछ लोगों से अपील करता है कि भाई मुझे वोट करिए, तो वोट परसेंट तो खिसकने वाला है जी, क्योंकि आम आदमी का एक बड़ा फेस अगर चुनाव में आकर निकलेगा तो इसका मतलब है कि वोट तो खिसकेगा ही खिसकेगा। कोई भी मान लो किसी भी पार्टी का कोई बड़ा फेस हो, जैसे कांग्रेस का बड़ा फेस मान लो अगर राहुल गांधी जी हैं या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, ऐसे, या अगर बीजेपी के चेहरा मानो तो सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं, फिर अमित शाह जी, अगर ये चुनाव प्रचार में कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर वोट बैंक तो बनता ही है जी। तो ऐसे ही अगर दिल्ली में भी इतना बड़ा चेहरा अगर उनको जमानत मिलती है और वो सड़कों पर आएगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो इसका मतलब है कि इन सीटों में जो कमी हो सकती है, जो अभी 6 से 7 सीटें हैं वो 3 तक जा सकती हैं, 2 तक भी जा सकती हैं। हमारे पास जो कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सीटें 1 या 2 पर भी बीजेपी सिमट सकती है जी। तो ऐसा ही कुछ है कि फलोही सट्टा बाजार भी ये कह रहा है कि 3 सीटों तक भी बीजेपी सिमट सकती है जी। और आगे जैसे आंकड़े आते रहेंगे हम अपने दर्शकों के साथ लगातार साझा करके उनसे जो है जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे। जैसे अभी आप, जैसे आपने कहा कि दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव है, हो सकता है केजरीवाल जैसे बाहर आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव का माहौल बनेगा जी। तो उसके आधार पर फिर फलोही सट्टा बाजार ऊपर नीचे कुछ होगा और उसकी रिपोर्ट हम आपके सामने फिर लेकर आएंगे कि भाई सीटें कम हुई या बीजेपी की वापस सीटें बढ़ गई जी। तो सर जैसे हमने बात कर ली दिल्ली की, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट हरियाणा पे चलना चाहूँगा कि इसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि हाल ही के अंदर इस देश में भी जो है आपने कहा था, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं जाट समुदाय का जो है विरोध इस स्टेट में देखा जा रहा है, तो इन सीटों के ऊपर जो है किस प्रकार का आपको लगता है कि जिस प्रकार 2019 में हरियाणा की जनता ने एक तरफा जो है बीजेपी को जिताने का काम किया था, जो इस बार भी जो है ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर इन सीटों में ऊपर नीचे जो है हो सकता है? देखो हरियाणा की आपने चर्चा की और अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी जी कि हरियाणा में जो 4 निर्दलीय विधायक हैं जी, वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को सपोर्ट देने जा रहे हैं, यानी कि अस्थिर हो गई है वहां पर अगर सरकार ऐसा होता है तो जी। और परसों ही वहां के जो नए मुख्यमंत्री हैं जी, सैनी जी, उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है जी। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है जी। और वो उथल पुथल आपको पिछले 2-1 महीने पहले भी दिखी थी जब वहां के मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे जी। तो ये उथल पुथल कुछ लग तो ऐसा रहा है कि ऐसे तो नहीं मची है जी, भगदड़ ऐसे मची हुई है जैसे ऐसा लगता है कि आला कमान को भी पता है कि वहां पर उनका वोट बैंक खिसक रहा है जी। और ये भगदड़ अगर मान लो निर्दलीय विधायक अगर कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, तो ये आप मान के चलो कि जब जब विधायक या कोई नेता जिधर की हवाएं होती हैं उधर वहां अपने रुख कर लेते हैं, तो अगर अब की बार ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस की हवा वहां पर चल रही हो और विधायक अपना रुख कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब भगदड़ तो पूरी तरीके से मची हुई है जितने समीकरण सामने आ रहे हैं। अगर मैं फलोही सट्टा बाजार को आधार मानूं तो हरियाणा में फलोही सट्टा बाजार बीजेपी को 5 से 6 सीटें अभी भी दे रहा है 10 में से, लेकिन फलोही सट्टा बाजार ये कह रहा है कि भाजपा यहाँ पर 2 तक भी सिमट सकती है जी, यानी कि 2 अगर सीटें भाजपा को यहाँ पर आती हैं तो करीब करीब 8 सीटों का नुकसान होने जा रहा है जी, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि आगे यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं नवंबर दिसंबर में जी। तो जिसका मतलब साफ है कि बीजेपी का यह राज्य बीजेपी के हाथ से जा भी सकता है। और हाल ही में जो खबर आई है, अगर वो 4 विधायक कांग्रेस को सपोर्ट कर देते हैं जैसा कि, तो सरकार वैसे भी शंकाओं के घेरे में आ जाएगी।
तो इसका मतलब है कि वहां पर फिर जाट समुदाय का, जैसे आपने सवाल किया था, या फिर किसानों वाला, कि जनता नाराज दिख रही है और नेता चाहते हैं कि हम उस पक्ष में जाएं जहां पर निर्दलीय नेता ये चाहते हैं कि हम उस पक्ष के साथ जुड़े जहां से जनता नाराज नहीं है, जिससे उनका वोट बैंक भी ना खिसके। और जैसा आपको पता हो कि बीजेपी के नेताओं को वहां पर घुसने तक भी नहीं दिया जा रहा है, और जबकि कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए भगदड़ मची हुई है। वो जनता की आवाज को समझ के जो है कांग्रेस की तरफ जो अपना रुख कर चुके हैं जी। इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेट अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का एक प्रकार से गढ़ भी माना जाता है, और अगर किसी भी सरकार को अगर सत्ता में आना है तो उस स्टेट की जो सीटें हैं उनके ऊपर उनका कब्जा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो वो भी उसी स्टेट से आती है। मैं बात कर रहा हूँ सर उत्तर प्रदेश की, और फलोदी सट्टा बाजार ने किस प्रकार के हाल के अंदर जो है आंकड़े पेश किए हैं तो वो एक बार आप दर्शकों के साथ साझा करें और बताएं कि जो यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं उनमें जो है बीजेपी को किस प्रकार जो है कितनी सीटें हासिल होती हुई फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर दिखाई दे रही हैं। देखो यूपी शायद और पार्टियां वहां पर वोट बैंक बना ही नहीं पा रही जी। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी परचम लहरा रही थी और लहराती हुई भी दिख रही है जी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में गए, वहां पे उनका भव्य स्वागत हुआ, एक भव्य रोड शो हुआ, लोग वहां पर जुड़े, तो ये सारी चीजें जुड़ती है चुनाव में जी, और ये इम्पैक्ट करती हैं वोटों पर भी जी। वहां के लोगों के जहन में तो ये जाता ही जाता है कि एक हमारा ऐसा नेता है जो हमारे बीच में आ रहा है, हमारे भगवान को आकर देख रहा है, संभाल रहा है, पूजा कर रहा है। और अगर वहां पर देखो तो प्रधानमंत्री दंडवत हुए थे जी, तो वो दंडवत होना सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये ऐसी बात नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं डालता जी। तो ऐसा ही इम्पैक्ट फलोदी का सट्टा बाजार भी दिखा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 64 से 65 सीटें आ रही हैं भाजपा को, जो पिछले बार अगर सीटों की बात करें तो 62 सीटें थी, यानी कि भाजपा की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार ये भी कह रहा है कि ये सीटें 58 तक रह सकती हैं जी। अगर ये 58 भी रहती हैं तो इसका मतलब है कि जो गठबंधन हुआ है सपा और कांग्रेस के बीच में जी, वो तब भी गठबंधन होने के बाद भी भाजपा को कोई बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और ये 58 सीटें भी अगर आती हैं तो पिछले बार से बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों का नुकसान होगा जी। और अगर ये सीटें बढ़ जाती हैं तो बीजेपी को 3 से 4 सीटों का फायदा होगा जी। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश तो कहीं नहीं जा रहा है जी। उत्तर प्रदेश में तो वो बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। अब ये 58 सीटों का अगर आप माने तो ये मुझे सच भी लग रहा है, क्योंकि अगर मैं मानूं 2 या 3 सीटें ऐसी भी हो गई थी जो शायद बीजेपी अपने खाते में जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बीजेपी के से खाते से हटकर वो कांग्रेस या फिर सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है जी। देखो जैसे अखिलेश जी ने पहले नहीं चुनाव लड़ रहे थे, अब वो चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया, जब इतना बड़ा नेता आता है तो जीतने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती है। दूसरी सीट रायबरेली की, ये भी अनुमान था कि रायबरेली से भी शायद कोई बड़ा नेता ना भी आए, पर अगर अब राहुल गांधी जी वहां से आ गए हैं तो इसका मतलब है कि जीत की संभावनाएं बहुत अधिक हो गई है जी। तीसरी सीट अमेठी की भी है जी, जो शुरू में ये बताया जा रहा था कि भाई वहां पर आसानी से स्मृति ईरानी जीत जाएंगी, लेकिन प्रियंका जी कल ही वहां पर अमेठी पहुंच चुकी हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि मैं खूंटा लेके आई हूं और जब तक 13 तारीख को यहाँ पर मतदान नहीं होगा तब तक यहीं रहूंगी। तो अगर प्रियंका जी 7 से 8 दिन अगर वहां पर रहेंगी तो इसका मतलब है अमेठी में भी चुनाव बनने जा रहा है और कड़ी टक्कर कांग्रेस वहां पर भी देने जा रही है। अगर स्मृति ईरानी जी को उनका एक कार्यकर्ता अगर हरा देता है तो ये तो देश की मीडिया में बड़ी सुर्खियां बनने जा रहा है अगर ये खबरें। तो सर जैसा आपने उत्तर प्रदेश का हाल बताया, लेकिन सर इसके बाद जो है एक सवाल, जैसे आपने राम मंदिर का भी हाल ही के अंदर मुद्दा उठाया था, तो अभी कुछ दिन पहले जैसे अपन भी बैठ के इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये बयान आया था कि हम भी जो है राम मंदिर जाकर जो है अपना दर्शन करेंगे, तो उस प्रकार का उन जो है वो लगता है कि अभी हाल ही के अंदर तो उनका जो है ठंडे बस्ते में ये चीज़ें जा चुकी हैं। देखो राम मंदिर वो करेंगे या नहीं करेंगे इसका कोई पुख्ता पुष्टि तो नहीं हुई जी, लेकिन खबरें थी और खबरों के आधार पर मैं खबरें आपको बता देता हूँ जी। देखो राजनीति इस टाइम चरम पर है और बीजेपी नहीं चाहती कि वो राम मंदिर जाएं जी, ये मेरा एंगल है और ये खबरें ही हैं, बस इसको खबरें की तरीके से आप लें। पहले खबरें थी कि
जब भी वो नामांकन दाखिल करेंगे वो पहले राम मंदिर जाएंगे। वहां से उनके द्वारा परमिशन भी ली गई, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि वो राम मंदिर जाएं और वो दाव खेल लें। तो बीजेपी ने क्या किया कि महामहिम राष्ट्रपति जी को वहां पर राम मंदिर भेज दिया, जिससे उनको जो अनुमति मिलनी थी वो अनुमति नहीं मिल पाई और जिसके बाद शायद उनका प्लान कैंसिल हो गया जी। तो इस तरीके की राजनीति अभी चरम पर है। बीजेपी नहीं चाहती है कि चुनाव के बीच में वो कहीं जाए वहाँ पर, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीति के लिए फ़ायदा देती हैं वो चीज़ राहुल गांधी कहीं ना कहीं तोड़ दें, वो बीजेपी कहीं भी नहीं चाहती है जी। लेकिन सर जैसे आपने ये बात बताई तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि देश में दोनों ही पार्टियां भरसक प्रयास जो उनसे हो पा रहे हैं इन चुनाव को लेकर वो दोनों ही पक्षों के द्वारा किए जा रहे हैं फिलहाल। तो देखो हर बार देखो चुनाव में कोई ना कोई एक मुद्दा होता है जी। बीजेपी हमेशा चुनाव पर एक मुद्दा पकड़ती है शुरुआत में और उसी के आधार में अंत तक चुनाव लड़ती है जी। देखो अगर 2014 में बात करी जाए तो मोदी जी हर रैली में कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, खूब हुई महंगाई की मार, तो मतलब एक मुद्दा था और अंत तक यही मुद्दा था जी। जिस प्रकार काले धन की बात की गई थी, रोजगारों की बात की गई थी जी, तो यही मुद्दा था और इसी के आधार पर अंत तक चुनाव लड़ी और बड़ी जीत हासिल करी जी। वहीं अगर 2019 की बात की जाए तो बीजेपी के पास एक मुद्दा था देश सुरक्षा का जी, तो वही मुद्दा स्टार्ट से लिया बीजेपी ने और अंत तक वही रखा जी, उसी के आधार पर बड़ी जीत हो गई। लेकिन अब 2024 की अगर अपन बात करें तो देखो आपको कोई मुद्दा ऐसा दिखेगा ही नहीं जो शुरुआत से लेकर अब तक कंटिन्यू चलता आ रहा हो। कभी कुछ मंगलसूत्र आ जाता है तो कभी कुछ आ जा रहा है, मतलब एक मुद्दा ऐसा नहीं है कि अगर आप 19 तारीख से देश में चुनाव स्टार्ट हुए थे उससे पहले रैलियां स्टार्ट होने लगी थी अलग अलग। कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है तो कभी हिंदू मुस्लिम चल रहा है तो कभी महंगाई के आधार पर कोई बोलता है, कभी इधर से रोजगार के आधार पर होता है, इधर अग्निवीर पर करते हैं, तो मतलब अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं जी। मैं कोई एक मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है और राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बीजेपी को मुद्दा ना मिलना बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसानदायक बात होगी इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी की रणनीति इस प्रकार से नहीं रही है कभी भी कि इस तरीके से चुनाव लड़ना जी। तो सर जैसा हमने उत्तर प्रदेश के बारे में तो बहुत सारी बातें जो है वो कर ली, हर प्रकार की राजनीति जो है इसकी समझ ली, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट की अगर बात करना चाहूँ तो झारखंड के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें जो है यहाँ की सीटों में कितना उतार चढ़ाव अपने को देखने को मिल सकता है। देखो केजरीवाल जी से पहले यहाँ के मुख्यमंत्री भी जेल में गए थे जी, ये पहले मुख्यमंत्री थे जी। जो जेल में गए थे उसके बाद केजरीवाल जी जेल में गए जी। और तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसका उबाल देखने को मिलेगा, लेकिन जो फलौती सट्टा बाजार है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर भाजपा को ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर 10 से 11 सीटें भाजपा के खाते में आएंगी जी, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार ये भी कह रहा है कि ये सीटें 6 तक भी सिमट सकती हैं। अगर ये 6 तक सिमटती हैं तो भाजपा के लिए एक ये बड़ा नुकसान होगा जी। तो सर जैसा हमने झारखंड की चर्चा अपने दर्शकों के साथ की, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट अगर साउथ की बात कर ली जाए, तमिलनाडु स्टेट की बात कर ली जाए, तो वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री का काफ़ी लगाव भी रामेश्वर मंदिर से भी देखा जा रहा है और कई प्रकार के तमाम प्रकार के कार्य जो है और वो जाते भी रहते हैं इन स्टेटों के अंदर। तो यहाँ पे जो है हालांकि बीजेपी का जो वर्चस्व है वो कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन अगर बात की जाए इन चुनाव की तो क्या हो सकता है कि इस बार जो है बीजेपी इन चुनाव में अपना वर्चस्व वहाँ कायम करने में सफल हो पाए। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि जो मेहनत करता है रिजल्ट उनको मिलते हैं जी, और प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ में खूब मेहनत करी है इस बार, उसके रिजल्ट्स तो जरूर मिलेंगे जी। अब जहाँ पर उनका खाता भी नहीं खुलता था वहाँ पर खाता खुल सकता है, सीटें आ सकती हैं, तो ऐसा तो है जी। तो ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने जो मेहनत करी उसके रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे जी। ये तो आपकी लाइफ में भी है कि अगर आप मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही जी, हासिल तो कुछ ना होगा। हाँ, तो जितनी उन्होंने बीजेपी ने वहाँ पर मेहनत करी है उसका परिणाम फलौदी सट्टा बाजार भी दिखा रहा है। जैसे आप तमिलनाडु की बात कर रहे थे तो बीजेपी को यहाँ पर 3 से 4 सीटें आ सकती हैं, ऐसा फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है। और बीजेपी लगातार ये कह रही है, बीजेपी के नेताओं के अंदर से ये बात आती है, वो ऐसा तो नहीं मानते कि उनको नॉर्थ में नुकसान हो रहा है जी। लेकिन अंदर खाने वो कहते हैं कि जो नॉर्थ में उनको नुकसान होगा वो हम साउथ से पूर्ति करेंगे जी। लेकिन समीकरण ऐसे कह रहे कि इतनी बड़ी जो नुकसान जो हो रहा है ना उतनी पूर्ति तो नहीं होगी, लेकिन सीटें जरूर आ रही हैं साउथ से, खाता जरूर बीजेपी का खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो बीजेपी 3 से 4 सीटें ला रही है और यहाँ ये अनुमान 3 सीटों तक भी सिमट सकता है फलौदी के अनुसार।
तो जैसे सर आपने तमिलनाडु का हाल बताया, इसके बाद सर एक और साउथ के स्टेट की अगर बात कर ली जाए, वो स्टेट है सर ओडिशा। तो इसमें भी जो है बीजेपी की किस प्रकार, जैसे अगर बात कर ली जाए राष्ट्रपति जी की, तो राष्ट्रपति जी को भी कहीं ना कहीं ओडिशा स्टेट से ही वो आती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कई कार्य जो है इस स्टेट को लेकर किए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो है बीजेपी का वर्चस्व कायम करने में जो है कहीं ना कहीं हासिल जो है वो कर पाएंगे अपने लक्ष्य को? देखो, आपने उड़ीसा की बात करी तो बीजेपी यहाँ से फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर 11 से 12 सीटें निकालती हुई दिखाई दे रही है जी। फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि बीजेपी यहाँ पर मिनिमम 10 से 11 तक सिमट सकती है, यानी कि बीजेपी खाते में 10 सीटें तो आने जा रही है, यानी खाता यहाँ पर भी अच्छा खासा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। तो सर जैसा आपने अभी बात की उड़ीसा की, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट की बात करना चाहूँगा। वहाँ की राजनीति भी जो है काफ़ी गर्म जो है इन दिनों देखी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ सर पंजाब की। तो आपको भी पता है कि किसान आंदोलन किस प्रकार से अपने चरम के ऊपर देखा गया था, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, सिंधु बॉर्डर के ऊपर तमाम प्रकार के जो है बीजेपी द्वारा कार्य भी किए गए थे उनकी सहूलियत के लिए। लेकिन सर उनकी जो है किसानों की मानसिकता जो है इसको लेकर किस प्रकार की दिखाई दे रही है? क्या इन चुनावों में उनके द्वारा जो है बीजेपी को एक प्रकार से सपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर उनके द्वारा नकार दिया जाएगा? तो इन चीज़ों के ऊपर आप क्या देखते हो, और फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े जो है किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? देखो, दो बार किसान आंदोलन हुआ, दोनों बार पंजाब से गर्म वो आंदोलन हुआ जी। यूपी में भी उसका कुछ हिस्सा देखने को मिला। मेन वो आंदोलन जो गर्म हुआ वो पंजाब से था जी, और पंजाब का किसान कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। फलोदी सट्टा बाजार को भी आधार माने बीजेपी यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर सिमट सकती है जी। बीजेपी को लगभग इतनी ही सीटें यहाँ पर पिछली बार भी मिली थी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर फायदा होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ये भी कह रहा है कि बीजेपी यहाँ पर 0 सीटों पर भी सिमट सकती है, यानी कि बीजेपी को जो 2 सीटें या 3 सीटें 4 सीटें मिलती थी वो भी 0 बन सकती हैं। तो मतलब 4 से 5, मतलब बीजेपी को यहाँ पर भी बड़ा नुकसान हो सकता है, और यहाँ से जो है सीटें उनके हाथ से जाने का जो है डर बना हुआ है जी। हाँ जी। इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेट की बात की जाए तेलंगाना की, तो इसके जो है अगर बात की जाए मुख्यमंत्री जी की यहाँ के, तो रेवंत रेड्डी जी जिनका नाम है वो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, तो उनकी अगर चर्चा करना चाहूँ तो वो अपने स्टेट से जो है भाजपा को अगर बात की जाए तो एक प्रकार से उनका जो नज़रिया है वो तो भाजपा विरोधी होने का ही दिखता है, लेकिन क्या इस बार वो अपने स्टेट में जो है भाजपा की सीटें जाने से रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, या फिर भाजपा जो है वो सीटें यहाँ पर ले सकती है? देखो, आपने ऐसे रेवंत रेड्डी जी का उदाहरण दिया जी, तो वो तो भाजपा विरोधी होंगे ही ना, क्योंकि वो तो कांग्रेस से हैं जी। तो अगर वो भाजपा का विरोध नहीं करेंगे तो सत्ता में आएंगे कैसे, क्योंकि वो सत्ता पे तभी काबिज होंगे जब वो भाजपा का विरोध करेंगे जी। लेकिन जैसा वो कह रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाएगी या फिर 1-2 सीटों पर सिमट जाएगी, वैसा सट्टा बाजार नहीं कह रहा है। सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर 5 से 6 सीटें आ सकती हैं जी, और मिनिमम बीजेपी 5 सीटों पर सिमट सकती है जी। तो सर जैसा आपने अभी अपने दर्शकों के साथ साझा किया तेलंगाना का हाल, इसके बाद सर हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसमें जो है किस प्रकार का माहौल बीजेपी का इस बार देखने को मिल रहा है? फलोदी सट्टा बाजार किस प्रकार के आंकड़े जो है उनके द्वारा जारी किए जा रहे हैं इन सीट को लेकर? देखो, हिमाचल की राजनीति में भी हाल ही में उथल पुथल देखी गई थी जी। जब राज्यसभा के चुनाव में वहाँ पर कुछ विधायकों ने बीजेपी के लोगों को वोट कर दिया था जी, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है हाल ही में, लेकिन उसका असर अब चुनाव में भी देखने को मिल रहा है जी। बीजेपी यहाँ पर 4 की 4 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से जी। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार ये भी कह रहा है कि बीजेपी यहाँ पर 2 तक भी सिमट सकती है जी, लेकिन नुकसान यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी जी। इसके बाद सर मैं एक आखिरी स्टेट जिसका फलोदी सट्टा बाजार के द्वारा आंकड़े जारी किए गए थे, हालांकि उस स्टेट में कभी बीजेपी का वर्चस्व तो बना नहीं, लेकिन अगर बात की जाए इस बार की 2024 चुनाव की, तो क्या हो सकता है कि इस बार भी उस स्टेट में जो है बीजेपी अपना वर्चस्व कायम कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो किस प्रकार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। देखिए, आपने ऐसे पश्चिम बंगाल के बारे में कहा, आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का वहाँ पर वर्चस्व नहीं बना जी। अगर वहाँ पर 2 पार्टियाँ टक्कर में हैं तो वो बीजेपी है और TMC जी। कांग्रेस वहाँ पर कहीं पर भी टक्कर में नहीं दिखाई देती है जी। तो इसका मतलब है वर्चस्व तो है जी। बस आप ये कह सकते हैं कि सत्ता नहीं आई है बीजेपी, यानी सत्ता का भोग नहीं किया है अभी तक वहाँ पर। विपक्ष में तो बीजेपी मजबूती से है वहाँ पर जी। और ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है।
फलोदी का सट्टा बाजार वहां पर बीजेपी को 20 से 22 सीटें दे रहा है जी, और बीजेपी करीब करीब 20 सीटों तक भी यहां पर मिनिमम सिमट सकती है ऐसा फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है। कांग्रेस पर यहां पर वही 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं और बाकी की बची हुई 20 सीटें टीएमसी के खाते में और अदर्स के खाते में जाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, यानी कि दोनों का आंकड़ा 50-50 रहने वाला है जी। तो अपन ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का वहां पर वर्चस्व नहीं है, अगर टीएमसी का वहां पर 60% वर्चस्व है तो बीजेपी का ये कह सकते हो कि 40% वर्चस्व है। अब बीजेपी को 10% कितने दिनों में कम करेगी ये तो चुनाव में आगे देखने को मिल जाएगा अपने को जी। तो सर जैसे जो स्टेट की जो लिस्ट अपने सामने निकल के आई थी फलोदी सट्टा बाजार ने जो आंकड़े जारी किए थे उनकी चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन सर अगर टोटल बात कर ली जाए कि बीजेपी को इस बार कितनी सीटों का जो है लॉस हो सकता है अकॉर्डिंग टू फलोदी सट्टा बाजार जी। देखो फलोदी सट्टा बाजार ने अभी इन 15 स्टेट की लिस्ट जारी करी है हाल ही में जी, और अभी बाकी के बचे हुए स्टेट की कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, और इस लिस्ट में उन्होंने ये बताया है कि बीजेपी को 50 से 80 सीटों का नुकसान पिछले बार से हो सकता है, जी। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए होने जा रहा है, और अब जब बाकी स्टेट्स की लिस्ट और आ जाएगी तो उसके आधार पर ये पता चलेगा कि बीजेपी की सरकार आ रही है या नहीं आ रही है जी। तो अगर इतना बड़ा भी अगर नुकसान होता है और बाकी की जो लिस्ट आती है उसमें भी ऐसा नुकसान देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि जैसा समीकरण अपन ने बात करी थी कि इस बार अदर का बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, वैसा ही कुछ फैक्टर फलोदी सट्टा बाजार भी दिखा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार भी ये कह रहा है कि इस बार दोनों पार्टियां कड़ी टक्कर में होंगी, चाहे वह एनडीए हो या इंडिया, अभी जो 15 स्टेट की लिस्ट आई है उस हिसाब से। तो ठीक है सर, जैसा आपने 15 स्टेट की जैसे लिस्ट आपके सामने आई थी आपने दर्शकों के साथ साझा की, तो दर्शकों फिलहाल हमारे जाने का वक्त हो गया है, तो फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। और अगर आपके हिसाब से अगर इन सीटों में कोई और उतार चढ़ाव अगर आपको पता लगता है किसी जरिए से पता लगता है या कुछ और आपकी राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं। मैं दर्शकों से एक अपील भी कर दूं, अगर वो अपनी राय बताएंगे और अच्छे से बताएंगे और अगर हमें इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट मिल जाते हैं जी तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर लोगों को बताएंगे कि किस स्टेट में किस पार्टी का वर्चस्व है। तो आप अच्छे से अपना कमेंट लिखें और सीटें भी अपनी नीचे कमेंट में लिखें जी, जिससे जितने अधिक कमेंट होंगे उसके आधार पर हम एक वीडियो बनाकर लोगों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से अवगत करा पाएंगे, इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं जी। फिलहाल दर्शकों मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और रोचक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।